चौथे दिन भी रहे द्वारिका में। रश्मि इंडिया और श्री एकता मंच ने धूमधाम से मनाया। क्या कुछ कहना था आए भक्तों का दिल्ली देवा श्री गणेश और रश्मि इंडिया के बारे में, देखिए दिल्ली से यह रिपोर्ट। गणेश जी देवा गणेश यहाँ पधारा है और पहली बार ये अब उत्सव शुरू हुआ है और हमारा यही है मकसद कि यहाँ से जिस मंच से ये आगे बढ़ रहा है श्री देवा गणेश मंच, यहाँ से माँ महाकालेश्वरी कल्याणी शक्तिपीठ से ये आगे बढ़े और हम चाहेंगे कि इसमें और भी सब लोग सहयोग दें और इसको बहुत आगे बढ़ाए, पूरे इंडिया में क्या पूरे विश्व में इसका नाम बात रहेगा कि रश्मि फले फूले और ऐसे ही सहयोग देती रहे, इसको आगे बढ़ाए और सभी को भी मैं हाँ यही कहेंगे हम कि भाई सब सहयोग दो रश्मि को, हमारी बेटी को, और ये जोर शोर से आगे बढ़े और इस शक्तिपीठ का, इस मंच का सब जगह विस्तार हो, नाम हो और ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोग यहाँ पे आए। हमारा पूरा पूरा आशीर्वाद हमारी बेटी रश्मि के साथ। चलिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैंने अशोक सर को दिया था, उन्होंने मेरा बहुत हौसला बढ़ाया और मुझे कहा कि आप ये प्रोग्राम शुरू कीजिए, हम आपके साथ हैं और ये हमेशा मुझे लगता है वो हमारे साथ ही रहने वाले हैं। तो इसके बाद में वहाँ से गणपति जी को हम यहाँ अपने मंदिर में माँ महाकालेश्वरी कल्याणी शक्ति पीठ लेकर आए। हमने कहा गणपति जी को दो दिन यहाँ रखते हैं, वैसे ऐसा होता नहीं है लेकिन माँ ने आदेश दिया कि आप गणपति जी को यहाँ ला सकते हैं। यहाँ अब जो मेहमान हमारे वहाँ नहीं पहुँच पाए उन सभी को हमने यहाँ पे निमंत्रित किया है कि उनको आज यहाँ भजन का पूरा मौका मिलेगा और जो भी हम लोग उनके लिए सेवा कर पाएंगे। शुरू में तो एक काफिला था, कहने वालों का तो बहुत था कि हम आपके साथ हैं, लेकिन वो धीरे 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 लगा कि कोई नहीं है। एक दो बार तो मैंने सोचा कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन सर ने मुझे पूरा हौसला दिया। मैंने सबको बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है कि आप चिंता क्यों कर रहे हो, आपको एक बार गणपति जी ने जब इतना बड़ा मौका दिया है आप करो, आप करो, हम आपके साथ हैं। तो इन्होंने शुरू में हमारे शोभा यात्रा को भी ग्रीन सिग्नल इन्होंने ही दिया, हरी झंडी दिखाई, तब से लेके आज तक रोज़ हमारा साथ दे रहे हैं। हमारे कार्यक्रम में आना, प्रणाल में आना, हम सभी लोगों को सपोर्ट करना, हमारे NGO को, हमारे मंदिर को, हमारी संस्था को, दिल्ली के देवा श्री गणेश, और हम ये चाहते हैं, ये उद्देश्य है कि इसको जल्दी से जल्दी हम दिल्ली के नंबर वन, वैसे ये बहुत चर्चित हो गया आपकी वजह से, सबसे ज़्यादा सहयोग हमें आपका ही रहा है इसमें। इस गणपति मनाई के लिए विशेष रूप से बुलाया गया और मुझे ये अवसर मिला कि इस श्री शक्ति मंच की तरफ से जो इतना बड़ा प्रोग्राम किया गणपति महोत्सव का, इसमें रश्मि जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया और रश्मि जी का बहुत बड़ा योगदान रहा जिन्होंने इस सेवा को जो है इस संस्था को चलाया, और भी अशोक शर्मा जी, रश्मि शुक्ला जी जिनके माध्यम से मैं यहाँ आया, रेखा शर्मा जी आदि सभी के सहयोग से ये कार्य चलता रहा और आज चौथा दिन है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। हरिद्वार में तो हम पूजा पाठ ही करते ही थे, यहाँ भी यहाँ सेवा करने का मौका मिला, हमें इन सभी का भी आभार व्यक्त करते हैं और मीडिया वाले भाइयों का भी सभी का आभार व्यक्त करते हैं और सभी श्रोताओं से प्रार्थना निवेदन करते हैं कि इस श्री शक्ति मंच जो दल है इनका, इसमें सहयोग करें, जिस हिसाब से भी हो सके उनको सहायता करें, सहयोग करें, क्योंकि इनकी सोच बहुत बड़ी है, बृहद रूप से ये कार्य करना चाह रहे हैं और हो भी रहा है कार्य बहुत बृहद रूप से। इस द्वारिका क्षेत्र में सर्वप्रथम ये गणपति उत्सव इतने उच्च लेवल से मनाया गया है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इन्होंने शक्ति एकता मंच में जो पहली बार किया है बहुत अच्छा लगा, इनकी बहुत हिम्मत करी है इन्होंने और हमारे मंदिर में इनको स्थापना करके इन्होंने बहुत अच्छा किया।